एक समय वह मार्कंड जी राजा रोहिताश्व के यहाँ पधारे और यथार्थ सत्कार ग्रहण करने के बाद उन्हें कथा सुनाने लगे। कथा के अंत में राजा रोहिताश्व ने कहा, भगवान मैं श्राद्ध कल्प का यथार्थ रूप से श्रवण करना चाहता हूँ। मार्कंड जी बोले, राजन यही बात आनर्त नरेश ने भृतयज्ञ से पूछी थी, वही प्रसंग सुनाता हूँ। आनर्त ने पूछा, ब्राह्मण श्राद्ध के लिए कौन सा समय विहित है, श्रद्धा उपयोगी द्रव्य कौन है, श्राद्ध के लिए कौन कौन सी वस्तुएं पवित्र मानी गई हैं, कैसे ब्राह्मण श्राद्ध कर्म में सम्मिलित करने योग्य हैं और कैसे ब्राह्मण त्याज्य माने गए हैं। भृतयज्ञ ने कहा, राजन विद्वान पुरुष को अमावस्या के दिन आवश्यक श्राद्ध करना चाहिए। शुदा से क्षीण हुए पितर श्रद्धान की आशा से अमावस्या तिथि के आने की प्रतीक्षा करते हुए जो अमावस्या तिथि को जल या शाक से भी श्राद्ध करता उसके पितर तृप्त होते हैं और उसके समस्त पातकों का नाश हो जाता है। आनर्त ने पूछा, ब्राह्मण विशेषतः अमावस्या को श्राद्ध करने का विधान है क्यों, मरे हुए जीव तो अपने कर्मानुसार शुभाशुभ गति को प्राप्त होते हैं, फिर श्राद्ध काल में वे अपने पुत्र के घर में कैसे पहुंच जाते हैं। भृतयज्ञ ने कहा, महाराज जो लोग यहाँ मरते उनमें से कितने ही इस लोक में जन्म ग्रहण कर लेते हैं, कितने ही पुण्यात्मा स्वर्ग लोक में स्थित होते हैं और कितने ही पापात्मा जीव यमलोक के निवासी हो जाते हैं। कुछ जीव भोगानुकूल शरीर धारण करके अपने किए हुए शुभ या अशुभ कर्म का उपभोग करते हैं। राजन यमलोक या स्वर्गलोक में रहने वाले पितर को भी तब तक भूख प्यास अधिक होती है जब तक कि वे माता या पिता से 3 पीढ़ी के आनृत रहते हैं। जब तक वे श्राद्धकर्ता पुरुष के माता पिता प्रमातामह वृद्ध प्रमातामह एवं पिता पितामह या प्रपितामह पद पर रहते हैं तब तक श्राद्ध भाग ग्रहण करने के लिए उनमें भूख प्यास की अधिकता रहती है। पितृलोक या देवलोक के पितर तो श्राद्ध काल में सूक्ष्म शरीर से आकर श्राद्धीय ब्राह्मणों के शरीर में स्थित होकर श्राद्ध भाग ग्रहण करते हैं, परंतु जो पितर वहीं शुभाशुभ गुण में भोग में स्थित या जन्म ले चुके हैं उनका भाग दिव्य पितर आकर ग्रहण करते हैं और जीव जहाँ जिस शरीर में आता है वहाँ तदनुकूल भोग की प्राप्ति कराकर उसे तृप्ति पहुँचाते हैं। ये दिव्य पितर नित्य एवं सर्वज्ञ होते हैं। पितरों के उद्देश्य से सदा ही अन्न और जल का दान करते रहना चाहिए। जो नीच मानव पितरों के लिए अन्न और जल ना देकर आप ही भोजन करता या जल पीता है वह पितरों का द्रोही है। उसके पितर स्वर्ग में अन्न और जल नहीं पाते हैं, इसलिए शक्ति के अनुसार अन्न और जल उनके लिए आवश्यक देने चाहिए। श्राद्ध द्वारा तृप्त किए हुए पितर मनुष्य को मनवांछित भोग प्रदान करते हैं। श्राद्ध की आवश्यकता तथा समय, आनर्त नरेश ने पूछा, ब्राह्मण श्राद्ध के लिए और भी तो नाना प्रकार के पवित्रतम काल है, फिर अमावस्या को ही विशेष रूप से श्राद्ध करने की बात क्यों कही गई है। भृतयज्ञ ने कहा, महाराज यह सत्य है कि श्राद्ध के योग और भी बहुत से समय है, मानवादि तिथि युग आदि तिथि संक्रमांतिक काल व्यतिपात कच्छ छाया चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण इन सभी पुण्य तीर्थ पुण्य मंदिर श्राद्ध योग्य ब्राह्मण तथा श्राद्ध के योग्य उत्तम पदार्थ प्राप्त होने पर बुद्धिमान पुरुष को बिना पर्व के भी श्राद्ध करना चाहिए। अमावस्या को जो विशेष रूप से श्राद्ध करने का आदेश दिया गया है उसका कारण बताता हूँ, एकाग्रचित होकर सुनो। सूर्य के सहस्त्रों किरणों में से जो सबसे प्रमुख है उसी का नाम अमा है। उस अमा नामक प्रधान किरण के ही तेज से सूर्य देव तीनों लोकों को प्रकाशित करते हैं। उसी अमा में तीर्थ विशेष को चंदन देव निवास करते हैं, इसलिए उसका नाम अमावस्या है। यही कारण है कि अमावस्या के प्रत्येक धर्म के लिए यज्ञ अक्षय फल देने वाली बताई गई है। श्राद्ध कर्म में तो इसका विशेष महत्व है। अग्निश्वात बहिषद आजप सोमप ऋषिमप अपहुत आयरतूत श्राद्ध भूक्त तथा नांदीमुख
ये 9 दिव्य पितर बताए गए हैं। आदित्य वस्तु रुद्र तथा दोनों अश्वनी कुमार भी केवल नांदीमुख पितरों को छोड़कर शेष सभी को तृप्त करते हैं। ये पितृगण ब्रह्म जी के समान बताए गए हैं तथा पद्मयोनि ब्रह्म जी उन्हें तृप्त करने के लिए पश्चात सृष्टि कार्य प्रारंभ करते हैं। इनके सिवा दूसरे भी ऐसे मत्स्य पितर होते हैं जो स्वर्गलोक में निवास करते हैं। वे दो प्रकार के देखे जाते हैं, एक तो सुखी और दूसरे दुखी। मृत लोक में रहने वाले वंशज जिनके लिए श्राद्ध करते और दान देते हैं वे सभी वहाँ हर्ष में रहकर भरकर देवताओं के समान प्रसन्न होते हैं। जिनके लिए उनके वंशज कुछ भी दान नहीं करते वे भूख प्यास से व्याकुल और दुखी देखे जाते हैं। एक समय की बात है, अग्निस्वात है आदि सभी पितर देवराज इंद्र के पास गए। महाराज इंद्र ने उन्हें आया देख संपूर्ण देवताओं के साथ भक्ति पूर्वक उनका पूजन किया। इसके बाद जब वे देव दुर्लभ पितृलोक को जाने लगे तब शुधा पिपासा से पीड़ित रहने वाली मत्स्य पितरों ने दिव्य स्तोत्रों से पितृ सूक्त के मंत्रों तथा पितरों को संतुष्ट करने वाले अन्ननास वैदिक स्तोत्रों से उन सब की स्तुति करके दीनतापूर्ण वचनों द्वारा उन्हें प्रसन्न किया। तब वे दिव्य पितर प्रसन्न होकर उनसे बोले, सुव्रत हम सब तुम लोगों पर प्रसन्न हैं, बोलो तुम क्या चाहते हो। मत्स्य पितर बोले, दिव्य पितृगण हम मनुष्यों के पितर हैं, अपने कर्मों द्वारा मृत लोक से स्वर्ग में आकर देवताओं के साथ निवास करते हैं, परंतु हमें अत्यंत भयंकर भूख और प्यास का कष्ट होता है। जान पड़ता है हम आग में जल रहे हैं। यहाँ के नंदन नंदन आदि वन में बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, सब में फल फूल तथा परंतु उन फलों को जब हम हाथ में लेते हैं और यत्न पूर्वक जोर जोर से खींचते तो भी वे डाली से टूटकर अलग नहीं होते। प्यास से पीड़ित होकर यदि देव नदी गंगा का जल हाथ में उठाते हैं और पीते हैं तब हमारे हाथ में उस जल का स्पर्श ही नहीं होता। इस स्वर्गलोक में कोई खाता पीता नहीं दिखाई देता है, अतः यहाँ का निवास हमारे लिए अत्यंत भयंकर हो गया। यहाँ जो देवता और गुरुहाक आदि हैं वे सब विमान में बैठे प्रसन्नचित दिखाई देते हैं। इन्हें भूख प्यास का कष्ट नहीं है, ये अनेक प्रकार के भोगों से संपन्न है। क्या हम सब लोग भी कभी ऐसे हो सकेंगे, भूख प्यास के कष्ट से रहित हो परम संतोष पा सकेंगे। दिव्य प्रेतों ने जब इंद्र आदि केवल दूसरे दूसरे कार्यों में व्यग्र होकर जब हमारे लिए श्राद्ध नहीं करते दान नहीं देते तब हम लोगों की भी ऐसी ही कष्टपूर्ण दशा हो जाती है। उस समय हम वहां से आकर देवताओं से कहते हैं, प्रार्थना करते, उसके बाद जब ये लोग श्राद्ध तर्पण द्वारा हमें तृप्त करते हम तब हमें भी तृप्त प्राप्त होती है। इसी प्रकार तुम लोगों के जो वंशज एकाग्रजित हो तुम्हारे लिए श्राद्ध का दान देते हैं उससे तुम लोग भी क्यों नहीं तृप्त होंगे। अब प्रमाद वंशज पितरों का तर्पण नहीं करते, जब उनके पितर स्वर्ग में रहने पर भी भूख प्यास से व्याकुल हो जाते हैं फिर जो यम लोक में पड़े उनके कष्ट का तो कहना ही क्या। इतना कहकर दिव्य पितरों ने मर्त्य पितरों को साथ ले ब्रह्म जी के समीप गमन किया और उनकी तथा अपनी शाश्वत तृप्ति के लिए उपाय पूछा। तब ब्रह्म जी ने कहा, पितरों यदि मनुष्य पिता पितामह और प्रपितामह के उद्देश्य से तथा मातामह प्रमातामह और वृद्ध प्रमातामह के उद्देश्य से श्राद्ध तर्पण करते तो उतने से ही उनके पिता और मातामह से लेकर मुझ तक सभी पितर तृप्त हो जाएंगे। जिस अन्न से मनुष्य अपने पितरों की दृष्टि के लिए श्राद्ध पाठ को ब्राह्मण को तृप्त करेगा और उसी से भक्ति पूर्वक पितरों के निमित्त पिंडदान भी देता उससे तुम्हें सनातन तृप्ति प्राप्त होती है। अमावस्या के दिन वंशजों द्वारा श्राद्ध और पिंड पाकर पितरों को एक मास तक तृप्ति बनी रहेगी। सूर्य देव के कन्या राशि पर स्थित रहते समय अश्वनी कृष्ण पक्ष पितृ पक्ष या महल्ले में जो मनुष्य मृत तिथि पर पितरों के लिए श्राद्ध करेंगे उनके उस श्राद्ध से पितरों को एक वर्ष तक तृप्ति बनी रहेगी। उस समय शाक के द्वारा भी जो तुम्हारा श्राद्ध नहीं करेगा वह धनहीन चंडाल होगा। जो मनुष्य उसके साथ बैठना सोना खाना पीना छूना छुलाना तथा
वार्तालाप आदि व्यवहार करेंगे, वे भी महापापी बन जाएंगे। उनके संतान की वृद्धि नहीं होगी, किस प्रकार भी उन्हें सुख या और धन धान्य की प्राप्ति नहीं होगी। यदि मनुष्य गया सीरस में जाकर एक बार भी श्राद्ध कर देंगे तो उसके प्रभाव से तुम सभी पितर सदा के लिए तृप्त हो जाओगे। भृत्यज्ञ कहते हैं, राजन ऐसा जानकर विज्ञ पुरुष को चाहिए कि पितर को तृप्त करने की इच्छा रखकर वह उक्त संयम में श्राद्ध अवश्य करे। इलोक और परलोक में उसकी उन्नति चाहने वाले पुरुषों को विशेषतः गया शीरस में जाकर श्राद्ध करना चाहिए। जो मनुष्य अमावस्या के दिन श्राद्ध नहीं करता, उसके पितर भूख प्यास से पीड़ित हो बहुत दुखी होते हैं। मन ही मन तृप्ति की अभिलाषा रखकर वे प्रेत पक्ष की प्राप्ति करते रहते हैं। ठीक उसी तरह जैसे किसान लोग रात दिन वर्षा की राह देखते हैं, पितृ पक्ष बीत जाने पर भी जब उन्हें श्राद्ध का अन्न नहीं मिलता, तब वे जब तक अन्य राशि पर ना हो तब तक वे अपनी संतान द्वारा किए हुए श्राद्ध की प्रतीक्षा करें। उसके भी बीत जाने पर कुछ पितर तुला राशि के सूर्य तक पूरे कार्तिक मास में अपने वंशजों द्वारा किए जाने वाले श्राद्ध की राह देखते हैं। जब सूर्यदेव वृश्चिक राशि पर चले जाते हैं, तब वे पितर दीन एवं निराश होकर अपने स्थान पर लौट जाते हैं। राजन इस प्रकार पूरे दो मास तक भूखे प्यास से व्याकुल पितर वायु रूप में आकर घर के दरवाजों पर खड़े रहते हैं। तब तक तथा अमावस्या के दिन सदा पितरों के लिए श्राद्ध करना चाहिए। विशेषतः तिल और जल की अंजलि देनी चाहिए। कन्या और तुला में श्राद्ध ना हो तो अमावस्या को अवश्य करें, वह भी ना हो तो एक बार गयाजी में आकर श्राद्ध कर दें, जिससे नित्य श्राद्ध का फल प्राप्त होता है। श्राद्ध की विधि विहित और निषिद्ध ब्राह्मण तथा मनवादी एवं योग आदि पुण्य तिथि का वर्णन। आनर्त ने पूछा, मुनीश्वर सब मुनियों को किस विधि से श्राद्ध करना चाहिए? भृत्यज्ञ ने कहा, उत्तम कर्म द्वारा उपार्जित धन से पितरों का श्राद्ध करना चाहिए, उचित है। छल कपट चोरी और ठग से कमाए हुए धन से कदापि श्राद्ध ना करें। अपनी गणोचित वर्णोचित वृत्ति के द्वारा उपार्जित धन से श्राद्ध के लिए सामग्री एकत्रित करें। पहले संध्या काल आने पर काम क्रोध से रहित एवं पवित्र हो श्राद्ध कर्म के योग्य श्रेष्ठ ब्रह्मचार्य प्रायण ब्राह्मण को निर्मित करें। उनके अभाव में ब्रह्म ज्ञान प्रायण अग्निहोत्र वेद विधा में निपुण गृहस्थ ब्राह्मणों को निमंत्रण दे, जिनका कोई अंग विकल ना हो जाए, जो निरोग आहार पर संयम रखने वाले तथा पवित्र हों, ऐसे ब्राह्मण श्राद्ध के योग्य बताए गए हैं। जो किसी अंग से हीन हो या जिनका कोई अंग अधिक हो, जो स्वर भक्षी हो निकाले गए हों, जिनके दांत काले हों अथवा जिनके दांत गिरे हों, जो वेद बेचने वाले और यज्ञ वेदी को नष्ट करने वाले हों, जिनके वेद शास्त्रों का ज्ञान ना हो, जिनके नख खराब हो गए हों, जो रोगी निर्धन दूसरों की हिंसा करने वाले दूसरे लोगों पर लांछन लगाने वाले नास्तिक नाचने वाले सुदखोर बुरे कर्मों में संलग्न शोचाचार से शून्य अत्यंत लंबे अति दुर्लभ बहुत मोटे अधिक रोम वाले तथा रोम रहित हों, ऐसे ब्राह्मणों को श्राद्ध में त्याग दें। जो पितरों का गौरव रखना चाहें तथा उसे ऐसा अवश्य करना चाहिए, जो पराई स्त्री में आसक्त शुद्ध जाति स्त्री से संपर्कने वाले नपुंसक मलिन चोर क्षेत्रीय तथा वैश्य की वृत्ति वाले माता पिता का त्याग करने वाले गुरु स्त्री गामी निर्दोष पत्नी को छोड़ने वाले कृतघन खेती करने वाले शिल्प से जीविका चलाने वाले भाला बेचकर या भाला चलाकर चलाने वाले चमड़े के व्यापार से जीवन निर्वाह करने वाले तथा अज्ञात कुल वाले हों, ऐसे ब्राह्मणों को भी श्राद्ध में त्याग देना चाहिए। अब उन ब्राह्मणों का परिचय देता हूँ जो श्राद्ध कार्य में प्रशस्त माने गए हैं। त्रिनाचिकेत नाचिकेत नामक विविध अग्नि का सेवन करने वाले, मधुवाता आदि तीन रचाओं का जप करने वाले, छह अंगों के याता त्रिसुपर्ण नामक रचाओं का पाठ करने वाले, विद्या एवं वृत्त को पूर्ण करके जो स्नातक हो चुके हों, वे धर्मद्रोण धर्मशास्त्र के पाठक पुराण वेत्ता ज्ञानी ज्येष्ठ मास के ज्ञाता अर्थवैश्विक विद्वान ऋतुकाल में अपनी पत्नी के साथ सेवास करने वाले उत्तम कर्म प्रायण साध तथा प्रशाल्य तत्काल
पात्र धो डालने वाले अर्थात एक ही समय के लिए अन्न संग्रह करने वाले शुक्ल गौर वर्ण अथवा शुक्ल जाति पुत्र के पुत्र दामाद भांजे परोपकारी मिष्ठान खाने और भोजन पचाने वाले समर्थ मीठे वचन बोलने वाले एवं सदा जप में तत्पर रहने वाले ये सभी ब्राह्मण पंक्ति पावन पंक्तों को पवित्र करने वाले जानने वाले ये पितरों की तृप्ति करते हैं। इसलिए थोड़ी विद्या वाले होने पर भी कुल और आचार में जो श्रेष्ठ हों उन्हीं को श्राद्ध में नियुक्त करना चाहिए। इसी प्रकार ब्राह्मणों का ज्ञान करके सर्वभाव से उनके चरणों का स्पर्श करते हुए प्रमाण करें और विश्वदेव श्राद्ध के लिए दो ब्राह्मण को निमंत्रण दे दाहिना घुटना पृथ्वी पर टेक कर इस मंत्र का उच्चारण करें। मेरे द्वारा भक्ति पूर्वक बुलाए हुए परम सौभाग्यशाली महाबली विश्व देवगण इस श्राद्ध कर्म में पधारें और हे ब्राह्मण देव आप भी व्रत के भागी क्रोध रहित सोच परायण तथा ब्रह्मचार्य पालक हो तत्पश्चात अपस्वभाव से पितरों के लिए तथा माता मह आदि के लिए भी ब्राह्मणों को नियमित करें। फिर पितृ भक्त पुरुष श्रद्धा से ब्राह्मण का चरण स्पर्श करें कहें विप्रवर इस श्राद्ध कर्म में मेरे पिता पितामह तथा प्रपितामह आपसे स्थित होकर पधारे और आप भी ब्रह्मचार्य आदि व्रत का पालन करें। इस प्रकार पितरों और परपितामह मातामह आदि का भी आह्वान करके घर आवे। निमंत्रित ब्राह्मणों को उस दिन विशेष संयम से रहना चाहिए। अजमान भी शांतचित एवं ब्रह्मचारी से युक्त रहें। वह रात बीत जाने पर प्रायकाल शयन से उठकर मनुष्य दिन भर किसी पर क्रोध न करें। उस दिन स्वधाय बंद रखते हुए और बंद तथा कुंचिक कर्म अपने द्वारा न होने दे। तेल लगाना परिश्रम करना सवारिया वाहन आदि को दूर से ही त्याग दें। तदंतर जब दोपहर बीतने पर कुतप संयक मुहूर्त आवे उस समय स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण कर देवताओं और पितरों का तर्पण करने के पश्चात निमंत्रित ब्राह्मणों को भी संतुष्ट करें। उसके बाद उन्हें बुलाकर श्राद्ध प्रारंभ करें। पवित्र सुंदर एकांत गृह में जिसमें दक्षिण दिशा की भूमि कुछ नीची हो जाए जहाँ पापी कुकर्मी मनुष्यों की दृष्टि ना पड़े श्राद्ध करना चाहिए। जिस श्राद्ध को रजस्वला स्त्री देख लेती है अथवा जिस पर किसी पतित मनुष्य या सुअर की दृष्टि पड़ जाती है वह व्यर्थ हो जाता है। जिसमें बासी अन्न तेल का बना हुआ पदार्थ अथवा केश आदि से दूषित भोजन परोसा जाए वह श्राद्ध भी व्यर्थ हो जाता है। जिस श्राद्ध में अन्न का बलिवेश देव अनुसार यथायोग्य विभाग न किया जाए मौन व्रत का पालन हुआ हो अथवा दक्षिणा दी गई हो वह श्राद्ध भी व्यर्थ हो जाता है। जहाँ घर घरहाट की ध्वनि खोखली के कूटने का शब्द अथवा सूप के फटने की आवाज होती है वह श्राद्ध भी व्यर्थ हो जाता है। जिस श्राद्ध में रसोई तैयार करते समय कलह होता है विशेषतः पंक्ति भेद किया जाता जहाँ ब्राह्मण और यजमान ब्रह्मचार्य का पालन किए बिना तथा भोजन करता दान देता वह श्राद्ध भी सफल नहीं होता। जिन तिथियों में श्राद्ध पूर्ण हैदर से स्नान करके पितरों के लिए दिया जाता है तिल मिश्रित जल भी उनके लिए अक्षय तृतीय साधक होता है उनका वर्णन करता हूँ। अश्विनी शुक्ला नवमी कार्तिक द्वादशी माघ तथा भाद्रपद तृतीया फाल्गुनी अमावस्या पौष की एकादशी आषाढ़ की दशमी माघ की सप्तमी श्रवण कृष्णा अष्टमी आषाढ़ कार्तिक फाल्गुन चैत्र और ज्येष्ठ मास की पूर्णिमाएं ये मनवादी तिथियां कही गई हैं। जिसके इनमें से स्नान करके जो मनुष्य पितरों के उद्देश्य से तिल और कुछ मिश्रित तिल भी देता है वह परम गति को प्राप्त होता है। कार्तिक शुक्ला नवमी तथा वैशाख शुक्ला तृतीया माघ की अमावस्या और श्रावण की तृतीया ये क्रमशः सतयुग और त्वेता द्वापर और कलयुग की आदि तिथियां हैं। ये स्नान दान जप होम और पितृ तर्पण आदि करने पर अक्षय पुण्य उत्पन्न करने वाली और महान फल देने वाली होती हैं। जब सूर्य मेष राशि पर अथवा तुला राशि पर जाते हैं उस समय अक्षय पुण्यदायक विषुप नामक युग होता है। जिस समय सूर्य मकर और कर्क राशि पर आ जाते हैं उस समय अयन नामक काल होता है। सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि पर जाना संक्रांति कहलाता है। यह सब स्नान दान जप और होम आदि का महान फल देने वाले हैं। इस प्रकार संक्रांति और युगादि तिथि का वर्णन किया गया है। इनमें दी हुई वस्तु का पुण्य अक्षय होता है।